अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और सुबह सुबह सैटरडे संडे मेरा मॉर्निंग शो ज़रूर देखें और हर सूरत देखें, क्योंकि जब आप हमारा शो देखते हैं, पसंद करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, आप हमें कॉल करते हैं या किसी भी ज़रिए से आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं या मेरी टीम से या किसी तरह भी हमें पता चलता है कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस वजह से कि इंसान जो भी जिस भी काम में मेहनत करे और आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलना शुरू हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, दूसरी चीज़, मेरा आज का भी ड्रेस, जो कि सुबह सुबह मैं ज़रूर बताती हूँ, आज का भी ड्रेस मेरे डिज़ाइनर, जो मेरी ड्रेस डिज़ाइनर है प्रेड बाय फिल्ज़ा, उनका इंस्टा फेसबुक पेज का लिंक आपके टीवी स्क्रीन्स पे आ रहा है। अगर आप ये ड्रेस आपको पसंद आ रहा है, आप लेना चाहते हैं, तो आप इस ड्रेस का जो है वहाँ जाके इनसे बात करके ड्रेस भी ले सकते हैं। इससे अच्छे खूबसूरत बेहतरीन ड्रेस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो आज का शो का आगाज़ हम कर चुके हैं, साथ साथ और भी बहुत सारी बातें होंगी, पर मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ और टाइम ज़ाया करूं। मेरी कोशिश है कि मैं अपने गेस्ट से जो है बात शुरू करती हूं, उनको वेलकम करती हूं अपने शो पे, साथ साथ फिर हम भी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप हमारे शो में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमारे गेस्ट से भी कॉल करके बात कर सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं आली हुमायूं मिर्ज़ा साहब, तजिया निगार हैं, उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है अकीलुर रहमान कमाली, चेयरमैन कमाली खिदमतगार वेलफेयर से, उनको भी वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे अपने थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं कि मैंने जितना मुझे पता है कि कुरान के हवाले से आप कुछ कब्रिस्तान में कुछ काम कर रहे हैं, तो वो डिटेल में आप थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों। हमारा वर्क कमाली खिदमतगार वेलफेयर का वर्क जो है शहीद मुकद्दस औराक पर चल रहा है। अच्छा। और जो कि पिछले 5 सालों से मुसलसल जारी व सारी है, और कराची भर के तकरीबन 20 से 22 कब्रिस्तानों पर वर्क मुसलसल चल रहा है, और बाकी कब्रिस्तानों पर भी जाने का इरादा है, इंशाल्लाह वहाँ पर भी पहुँचेंगे। मगर बदकिस्मती से हमारे इस इस्लामी माशरे में कुरान मुकद्दस, शहीद कुरान पाक और दीगर मुकद्दस औराक की बेहरमती हो रही है, और कब्रिस्तानों में लोग ला तादाद क्वांटिटी में कुरान पाक, शहीद कुरान पाक, और जिसमें सही किताबें भी मिलती हैं, सही कुरान में कुरान पाक भी मिलते हैं, वो ला ला कर फेंक देते हैं। वो हम वहाँ से कब्रिस्तानों से उठाते हैं उन मुकद्दस औराक को, मतलब वो वहाँ पढ़ने के लिए लोगों को देते हैं। अमूमन जैसे होता है कि आप कब्र के पास बैठ के आयात या कुरान वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें ये होता है कि कोई भूल जाता है तो वो इस तरह का सिलसिला कुछ बनता है, या ये क्या मतलब? थोड़ा पढ़ने वाले लोग भी ऐसा करते हैं बाज़ूकात, जैसे कि कोई अपने लवाइकिन की कब्र पर जब हाजिर होता है तो यासिन शरीफ वगैरह का अहतमाम होता है, तो वो तिलावत के लिए ले जाते हैं यासिन शरीफ, और पढ़ने के बाद वो वहाँ पर कब्र पर छोड़ देते हैं। मगर अक्सरियत के साथ जो देखा गया है कि क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर कोई शख्स जा रहा है तो एक यासीन शरीफ लेकर जाएगा, लेकिन वहाँ पर तो हमें सैकड़ों के हिसाब से कुरान पाक और यासीन शरीफ और दीगर सूरतें मिलती हैं। तो ये मसाजिद मदारिस के लोग हैं जिनके पास कोई शहीद औराक के हवाले से कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता, तो वो वहाँ पर कब्रिस्तानों में लाकर, उनकी मतलब सोच शायद ये होती है कि हम उसको ठंडा कर रहे हैं, मगर जब वो लाकर कब्रिस्तानों में डाल देते हैं तो वहाँ पर फिर जाहिर सी बात है कि जानवर भी घूम फिर रहे होते हैं। थोड़ा हमें ख्याल करना चाहिए। जी हाँ। बाकी इसमें हम आपसे और डिटेल में बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं, सेनेट के इजलास पे बात करते हैं, सेनेट के इजलास पे आपने जो ये अभी हुआ है इसमें, इससे पहले एक खबर आई कि, और फिर इमरान खान साहब ने आके वहाँ पे खूब एक जोरों शोर से जो है ना बातचीत की, जो लोगों को हमें भी बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत सारी चीज़ें जो जहन में कहीं बसी हुई थी, तो हम समझते थे कि बड़ा गलत हो रहा है हमारे साथ, और फिर हमें लगा कि नहीं नहीं, यहाँ वो खुद बहुत फंसे हुए हैं हुकूमत जो है। नहीं देखिए, सेनेट का इजलास जो है वो तो जो भी मामला था, जाहिर है जो जिनकी टर्न पूरी हो गई थी वो सेनेटर्स, और टाइम था इलेक्शंस का, तो उस में वो सेनेट का इलेक्शन जो है वो हुआ। लेकिन जो कुछ सेनेट के अंदर हुआ
वो निहायत ही अफसोसनाक है, क्योंकि सेनेट इलेक्शन से पहले जो उस इलेक्शन की एक हाइप क्रिएट की गई थी और जिसमें ख़ास तौर पर ये मौजूदा पीटीआई की हुकूमत और उनके इत्तेहादी, उन्होंने जिस किस्म का, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, घिनौना किरदार अच्छा जो उन लोगों ने अदा किया है, वो पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि इलेक्शंस से पहले, चंद रोज़ पहले, वैसे तो इसकी इब्तिदा उसी दिन से हो गई थी जिस दिन इमरान खान साहब ने खुद ये फैसला करके कि वो एतमाद का वोट लेंगे, और वो जिस तरीके से उन्होंने एतमाद का वोट लिया वो इस पूरी 22 करोड़ आवाम ने देखा, और जो कुछ उसमें हुआ वो आपसे मुझसे पाकिस्तान के आवाम से ढका छुपा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने लोगों को एक रात पहले ये भी सुना कि कंटेनर्स तक के अंदर बंद कर दिया, और उसमें गवर्नर पंजाब का नाम बहुत आता है कि वो जो है सारी रात जो है वो लोगों की निगरानी करते रहे हैं, बार बार जाके उनके जहाँ पर उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया था वहाँ जाके नॉक करके पूछते थे कि वो अंदर ही हैं या कहीं बाहर चले गए। बहरहाल वो जो कुछ भी हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा कि शिबली फराज, फैसल जावेद और मुराद सईद, ये तमाम वो लोग हैं जो मैं क्या कहूँ, मतलब जिस किस्म की ज़ुबान वो लोग इस्तेमाल करते रहे हैं उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। और जो धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार किया गया सेनेट से पहले, कि शिबली फराज साहब ने तो ऑन एयर आके कहा कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, और वो उन्होंने इस्तेमाल किया, और जिस तरीके से उन्होंने सेनेट इलेक्शंस में जो अपने हार को लोगों के सामने, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के सामने जिस तरीके से लोगों की आंखों में धूल झोंकी, उससे पीटीआई, उसके इत्तेहादी, उनकी हुकूमत, वो सब बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। सही। और इससे पहले आपने, हम भी सुन रहे हैं, सन 2008 का इलेक्शन, मतलब धांधली हुई है सेनेट के इजलास में भी धांधली होती है ये तो फिर तो ये सब क्या हुआ है? देखिए उसमें हुआ ऐसा कि वो मैंने भी देखा टीवी पर, वो एक बैलेट पेपर उन्होंने दिखाया कि जिसके अंदर दो कॉलम्स थे हाशिए लगे हुए, जिसमें एक में संजरानी साहब का नाम था, एक में यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम था। तो वो दो कॉलम्स में ऑपोजिशन के लोगों से जो बात हुई थी सेक्रेटरी सेनेट की, तो उन्होंने बताया था कि भाई ठीक है, इस कॉलम में या एक कॉलम वो जो संजरानी साहब का, दूसरा गिलानी साहब, जहाँ चाहे वो उस कॉलम में स्टैंप लगा लें, वो वोट जो है वो काउंट होगा। और उसी के साथ उन्होंने एक वोट ऐसा भी दिखाया जो कि रिजेक्ट हुआ था, और वो बिल्कुल ठीक था कि वो रिजेक्ट होना चाहिए, क्यों कि उस पर जो स्टैंप लगी हुई थी वो आधी एक कॉलम में थी, आधी एक कॉलम में थी, तो वो वोट बहरहाल रिजेक्ट हुआ। वो तो हमारी भी समझ में आता है, पाकिस्तान के आवाम की भी समझ में आता है, लेकिन जो कुछ गिलानी साहब के साथ हुआ वो तो निहायत ही काबिले मजम्मत है। यानी आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकी, और आपने उनकी जीत को हार में पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के सामने बदल दिया। तो अब इससे पहले ही एक सवाल जो 2018 के इलेक्शन के ऊपर था, अब वो उस पर इन्होंने उसकी तस्दीक कर दी कि 2018 के इलेक्शंस में इन लोगों ने क्या किया, क्या किया?
तो अब वो पाकिस्तान के आवाम से पहले भी ढका छुपा नहीं था, और वो लोग जो जिनको शायद कुछ शक था तो उनका शक भी अब यकीन में बदल गया है। ये सूरत हाल है। अच्छा सर, एक चीज़ समझ नहीं आती कि हम लोग देख सब कुछ रहे हैं, समझ सब कुछ रहे हैं, पर आंखें हमने बंद क्यों की हुई है? या तो हम ये नारा लगा रहे थे मिलके कि तब्दीली तब्दीली तब्दीली, तो अब हम बोल नहीं पा रहे, या हम हक बात करना नहीं चाहते, नहीं। क्या वजह क्या है इसकी? देखें, बात ये है, या हम चाह रहे हैं कि हम और कुछ अरसा आजमा लें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये देखें कि पीडीएम के अंदर मौजूद जो 10 जमातें हैं वो मुस्तकिल इस बात की निशानदही, जब से पीडीएम कायम हुआ है उस फोरम से, और जिस वक्त कायम नहीं हुआ था तो हर जमात अपने तहत इनको हर सतह पर एक्सपोज करती रही। अब सूरत हाल ये है कि बहरहाल पीडीएम जो है वो एक कोशिश जो है वो आईनी और कानूनी तरीके से कर रही है, और उसमें ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी का किरदार रहा है तो उसमें उनकी बात मानी गई, और मैं समझता हूँ कि वो बात खासी हद तक दुरुस्त थी। जो बिलावल साहब ने कहा था कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इनको जो है घर भेजेंगे, तो वो तो उन्होंने करके दिखा दिया। हफीज़ शेख के इलेक्शन में वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो वहाँ तो जो वो हारे हैं, और बकौल उनके के उनके 16 मेंबर्स जो हैं वो बिकाऊ हैं। इमरान खान ने भी कहा, उनकी जमात के दीगर लोगों ने भी कहा, और बाद में इमरान खान साहब ने उन्हीं बिकाऊ लोगों से जो है वो एतमाद का वोट मांगा। तो साल ये है कि ये मामलात इस तरीके से अब मजीद जो है वो चलेंगे नहीं, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर बहरहाल जो हम देख रहे हैं फैसल वाडा का जो मामला था, जो उनकी दोहरी शहरियत का, और जिस तरीके से वो उस केस में चलते रहे हैं कि वो किसी तारीख के ऊपर जाते ही नहीं थे, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक ओपन एंड शट केस था, तो वो उसमें नहीं गए। अब कहा है पीडीएम की जमातों ने, ये कहा है कि भाई हम इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे। अच्छा, तो अब ये जिम्मेदारी जो है वो हाई कोर्ट के ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ आयद होगी, और वो जो भी है वहाँ वो जाकर ये को चैलेंज करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, वैसे पाकिस्तान जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान के लोगों का तो सबने देखा है बिल्कुल, तो अब वो जाकर उसको चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि वहाँ ये पीडीएम की जमातों की जो है वो फतह होगी। ठीक है, पीडीएम पे हम और भी बात करेंगे। सर, आप मुझे ये बताएं कि आप कब्रिस्तान से ये सारे जो हैं जमा करके और आके, ये सारे जमा करने के बाद आप कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ रखते हैं, क्या करते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है आपका? जो हम शहीद औराक या कुरान पाक वगैरह जो होते हैं, पहले हमने जो जगह बनाई है, मरकज़ कुरान मरकज़ बनाया है, वहाँ ले जाकर इनकी छांटी करते हैं। सही कुरान पाक या सही इस्लामी किताबें एक तरफ कर लेते हैं। अच्छा। और जो शहीद किताबें हैं, शहीद कुरान पाक हैं, फिर इनको कुएं में डाल दिया जाता है महफूज मकाम पर। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, ये बताएं पीडीएम के बारे में बताएं कि हुकूमत की बुनियादें हिला दी हैं। बात ये है कि जिस हुकूमत की कोई बुनियाद ही ना हो, जो एक जाली और धांधली ज़दा इलेक्शन के ज़रिए मारिज़े वजूद में आई हो, तो उसकी या बुनियादें तो वैसे ही हिली हुई हैं। लेकिन सवाल ये है, मतलब पुरानी हुकूमत का जो रोना था कि धांधली हुई है इलेक्शन में, वो ठीक था? देखे ना, ये तो ढका छुपा है ही नहीं ना। ये तो सारे पाकिस्तान ने देखा। देखे ना, एक वारदात जो मेरे इल्म में है कि जब ये इलेक्शन हुआ तो पूरे पाकिस्तान में एक वारदात हुई थ्रू आउट। अच्छा सर, इस्लामाबाद से कॉल आ रही है, ले लें कॉल? और बिल्कुल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आ रही है? जी, क्या कहेंगे?
मेरे ख्याल से आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, चलें दोबारा फिर ज़रूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू जी सर। तो मैं बहस कर रहा था कि ये जिनकी आपने कहा कि इलेक्शन एक तो हमने देख लिए, नहीं वो तो हमने देख लिए, बस जिनकी बुनियादें वैसी ज़ाहिर है, जो जाली हुकूमत खड़ी की गई तो वो कब तक कायम रहेगी। अब सवाल ये है कि वो जो वारदात हुई उसमें वो ये हुई कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लोग कॉन्टेस्ट कर रहे थे इलेक्शंस, उन तमाम के पोलिंग स्टेशंस को, ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातें, उन सब को निकाल बाहर किया। अच्छा। उसके बाद आपने देखा कि पूरा का पूरा आरटीएस का निज़ाम बैठ गया, तो जहाँ ये सब कुछ हुआ हो वहाँ कोई ये इलेक्शन मानेगा? लेकिन उसके बावजूद भी फॉर द सेक ऑफ द डेमोक्रेसी जो बड़ी जमातें थीं और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, उनका ये ख्याल था, बाद दीगर जमातों का तो ये ख्याल था कि हमें इस असेंबली में जाना ही नहीं चाहिए, ओथ ही नहीं लेना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि नहीं, हमें जमहूरियत की खातिर कि ये तसलसल जमहूरियत का जो है वो बरकरार रहे और हमें इसमें जाना चाहिए, और सब ने उनकी बात को माना और चले गए। और न सिर्फ वो उसमें गए बल्कि दीगर जमातों में बशमूल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इन लोगों ने वहाँ पर इनसे तावुन की पेशकश की। अच्छा। लेकिन या बिलावल साहब ने तो यहाँ तक कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर इमरान खान की जो जिद है, क्योंकि मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ और मुझे इसमें कोई कहने में कोई वो नहीं है, इमरान खान इज़ एक्टिंग लाइक अ डिक्टेटर, और वो एक गैर सियासी, मैं समझता हूँ कि वो एक गैर सियासी शख्सियत के मालिक हैं, जिनको न जाने किन लोगों ने प्रोजेक्ट करके उनको सियासी कवर पहना के इस असेंबली में लाकर, दीगर उनकी पीटीआई ब्रिगेड को लाकर इस पाकिस्तान के आवाम पर जो मुसल्लत किया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज पूरी कौम जो है वो भुगत रही है। अच्छा, तो मतलब ये क्योंकि जो नज़र आ रहा है, ये जो हम खुद देख रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं और कुछ लोग बोलने की हिम्मत नहीं रख रहे, तो आइंदा ये 5 साल पूरे होने के बाद आपको आया क्या लगता है कि फिर एक बार जब इलेक्शन होंगे तो फिर कुछ ऐसा होगा? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ कि मुझे तो नहीं लगता कि ये 5 साल की टर्म पूरी करेंगे। अच्छा अच्छा, इस पर भी डिटेल में बात करनी है। हाँ, देखें उसकी मैं वजह बताऊं, बात यह है कि आप जब तमाम पार्लिमानी रास्तों को बंद कर देंगे, किसी की बात सुनने को आप तैयार नहीं होंगे, तो फिर इसी किस्म के इत्तेहाद जो हैं ये मारिज़े वजूद में आते हैं। जो हमने इस मुल्क की तारीख में पहले भी ऐसे इत्तेहाद देखे हैं, जैसे कि IJI एक ज़माने में बनी थी, 9 सितारे थे, तो इस किस्म के इत्तेहाद जो हैं वो मारिज़े वजूद में आते हैं, और वो फिर जो है, खैर वो IJI वगैरह पर तो एक, मैं ये कहूँगा कि उस पर तो फिर भी एक सवालिया निशान तो है उस पर भी, लेकिन ये जो इस दफ़ा हुआ है, क्योंकि देखें पाकिस्तान में जिस तरीके से यहाँ पर आप इस तरह आ जाएं कि NRO के बाद जो परवेज़ मुशर्रफ ने NRO किया था, और वो तमाम सियासी जमातें जो कि एग्ज़ाइल में थी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, और फिर यहाँ पर मौजूद दीगर सियासी जमातें जो थीं, जिन पर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस थे, वो केसेस उनके माफ़ कर दिए गए थे। और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है, मैं समझता हूँ, उस वक्त जो है वो कराची की एक मखसूस जमात है, उसको हुआ था। अच्छा। और क्योंकि देखें ना, दीगर जमातों में जैसे पीपल्स पार्टी या नून लीग, तो जिस वक्त वो NRO हुआ था, तो उस NRO के नतीजे में वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत बहाल नहीं हो गई थी। हाँ। कि वो जाकर वापस, नवाज़ शरीफ साहब जो है उनको कहीं NRO के ज़रिए बहाल कर दिया था कि वो वापस प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि मुल्क में जनरल इलेक्शन हुआ था, अगर आपको याद हो। और उसमें फिर वही हुआ कि जिन लोगों को आप कहते थे कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये दहशतगर्द हैं,
तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने उन्हीं चोर लुटेरे दहशत गर्दों को वोट दिया। तो ये मामलात, इनको सबक सीखना चाहिए था उस एनआरओ से। उन्होंने देखा कि एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ जैसा शख्स, वो उनको कोई ऐसी वो नहीं पहुंचा सका। तो आप क्या हैं, इनको उससे सबक लेना चाहिए था। और बहरहाल मैं इस बात को इस तरह से ज़रूर मानूंगा कि उस वक्त देखें शहीद मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सियासी बसीरत के तहत जो काम किया था वो एनआरओ, लोग कहते हैं एनआरओ किया, तो भाई वो भी जनरल इलेक्शन में उनकी भी जमात शरीक हुई थी और वो तमाम लोग इलेक्ट होकर बहरहाल असम्बलियों में आए थे। फिर बदकिस्मती से उसी दौरान में इलेक्शन कैंपेन में 27 दिसंबर को मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया। और उसके बाद जो है वो बाद में जनरल इलेक्शन हुआ, उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई और फिर उनकी हुकूमत जो है वो कायम हुई। अच्छा, अब उसमें अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा मानना ये है कि वो वक्त था कि जिस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी, तो न सिर्फ मेरा बल्कि इस मुल्क के करोड़ों लोगों का यही ख्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त भी उस इलेक्शंस में भी बहुत गड़बड़ हुई। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल था कि पीपल्स पार्टी को उस वक्त यही करना चाहिए था कि बजाय इख्तदार लेने के वो इसकी निशानदही करते और हुकूमत खुद ना लेते, बल्कि उस वक्त यही मुतालबा करते कि दोबारा इस मुल्क में इलेक्शन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बदकिस्मती से, जिसका बेइंतहा नुकसान जो है वो पीपल्स पार्टी को हुआ, सियासी। और बहरहाल अब मौजूदा जो सूरत हाल है, तो उसमें मैं तो यही समझता हूँ कि बज़ाहिर नहीं, हकीकत में इमरान खां और उनकी जमात न सिर्फ इमरान खां असेंबली में अपना एतमाद खो चुके हैं, जिस तरह उन्होंने जाली मैंडेट इलेक्शंस में लिया या उनको दिलवाया गया, इस वक्त भी वो एक जाली मैंडेट के तहत इस मुल्क के लोगों पर मुसल्लत हैं और उनके लिए एक बाइज़्ज़त रास्ता अब भी मौजूद है। अच्छा। और वो ये है कि जैसे पीडीएम का भी मुतालबा है, लोगों का भी मुतालबा है कि अब इस मुल्क में नया इलेक्शन हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनको ये असम्बलियाँ डिसॉल्व करके और नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। उसमें पता चल जाएगा, वो भी कहते हैं कि उनको आवाम की हिमायत हासिल है, पीडीएम भी यही बात कहती है कि वो आवाम के नुमाइंदे हैं, तो सबको पता चल जाएगा, लेट द पीपल डिसाइड, पता चल जाएगा पीटीआई कितने पानी में है और पीडीएम की जमातें कितने पानी में। तो बेहतर यही है कि ये मुल्क जो है वो एक नए इलेक्शंस की तरफ जो है वो चला जाए और इसमें मजीद अब और कोई खराबी पैदा ना हो। अच्छा जी, हम ब्रेक लेंगे, पर ब्रेक से वापस आके हम ज़रूर आपसे ये पूछेंगे कि आपको क्या नज़र आता है कि इलेक्शन, नए इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो उस पर हम बात करेंगे, पर लेंगे सबसे पहले एक छोटी सी ब्रेक। तो आप कहीं ना जाएं, देखते रहें हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। तो आज का शो बड़ा, मैं ध्यान से हर एक एक पॉइंट को सुन रही हूँ, तो आप भी यकीनन सुन रहे होंगे, आपको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। जो चीज़ें अमूमन हम नहीं समझ पाते आज, आप मेरे शो से वो ज़रूर सुन सकते हैं, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। इस टाइम हम लेंगे अपने शो में एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा, आपकी होस्ट एनिशा। सैटरडे का दिन सुबह सुबह बड़ा तैयार होके मैं शो करना स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सुबह सुबह इतना तैयार किस तरह से हो जाती हो, तो ये वो जोश और जज्बा है जो हमने आपके सामने आना होता है, तो कोशिश होती है कि ज़रा अच्छे से लगे ताकि आपको अच्छा लगे स्क्रीन देख के। फिर कोशिश होती है कि गेस्ट बहुत अच्छे बुलाएं जो आपकी जो है नॉलेज में इजाफा हो सके, जो बातें आपको नहीं पता या जो मुल्क में चल रहा है इस टाइम पे आपको अगर वो नहीं पता, क्योंकि हर बंदा इस टाइम महंगाई की वजह से अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में पड़ा हुआ, सारा दिन वो बेचारा इसी चक्कर में रहता है, रात को आता है थका हुआ होता है, लाइट नहीं होती, गैस नहीं होती, पानी नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो बेचारा सो जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे शो के तवस्सुत से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस टाइम हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? गुजरात से शमसुल हक बात कर रहा हूँ जी। जी जी, क्या कहेंगे? मैंने आपके पैनल से सवाल पूछना था जी। दो सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये है कि ये जो जमहूरियत है ये इंडिया में मुसलसल जमहूरियत चल रही है 70 साल से, जब से वो आजाद हुआ जमहूरियत चल रही है, तो वहाँ पे हमारे से ज्यादा गुर्बत है। यहाँ पे ये कहा जाता है जी डिक्टेटर आ गया, डिक्टेटर आ गया, डिक्टेटर के 30 साल निकाल दें तो ये जमहूरियत के जो 40 साल हैं इसमें जो गरीब आदमी को क्या मिला है इस जमहूरियत में। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर किसी हादसे में, किसी बम धमाके में अमीर आदमी मारा जाए तो वो शहीद कहलाता है, तो जो उसके इर्द गिर्द वाले हैं वो जहाँ भाग हो जाते हैं, तो ये जो दोनों चीजें हैं ये जरा, ये जो पैनल बैठे हुए हैं आपके, इनसे जरा पूछें कि तनकीद जरूर करें जमहूरियत पे या डिक्टेटर पे, लेकिन डिक्टेटर ने तो डैम बनाए, डिक्टेटर ने तो बहुत सारी चीजें की, लेकिन जमहूरियत वालों ने क्या किया ये जरा पूछ सकते हैं। थैंक यू, मेहरबानी। थैंक यू जी, आप हमारा शो देखते रहे, अभी आपको जवाब जो है जरूर मिलता है। जी सर, देखें ये जो बात ये है कि ये जो मेरे भाई सवाल कर रहे हैं, मैं बड़े से, मैं इनकी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, यही एक मामला है जिस तरफ ये मेरे भाई ने अभी आपसे जो सवाल किया है, तो मैं इनकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जैसे इन्होंने कहा कि जमहूरियत लोगों ने क्या दिया है, डिक्टेटर्स ने डैम्स दिए हैं और ये और वो बार, तो मैं इनको बताऊँ कि मैं किसी पार्टी का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन मैं इंसान को बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करनी चाहिए। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, उन्होंने इस मुल्क में पाकिस्तान की जमहूर यानी आवाम, उनको ये बताया कि उनके राइट्स और उनके जमहूरी हुकूक क्या हैं। इससे पहले पाकिस्तान में जमहूरियत, सियासत, ये किस चिड़िया का नाम है ये पाकिस्तानी लोग नहीं जानते। सही। उन्होंने न सिर्फ ये कि लोगों के हुकूक के लिए काम किया, उनको उनके हुकूक बताए, और इन्होंने कहा ना कि जमहूरी लोगों ने क्या दिया है, क्या? तो मैं भाई की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जमहूरी जो लोग हैं उन्होंने सबसे बड़ा कारनामा जो मैंने अभी बताया और उसके बाद इस मुल्क को एक आईन दिया कि भाई ये मुल्क जो है वो किस तरीके से चलेगा, आया इसको ये डिक्टेटर्स चलाएंगे या ये लोग चलाएंगे, तो उन्होंने ये फ़र्क बताया और इस मुल्क को एक आईन दिया। उसके बाद इस मुल्क में, इस मुल्क को जो चारों तरफ से घिरा हुआ था, खौफ के साए मंडलाते थे, उस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया और ये कहा कि हम घास खाएंगे मगर इस मुल्क को अब एटमी कुव्वत बनाएंगे। फिर जो हमारे दिलेर जवान फौजी 90,000 जो भारत में कैद किए गए उनको वापस लेके भी एक जमहूरी
वजीर आजम लेकर के आया, अस्पताल बनाए, आपको स्टील मिल दिया, क्या कुछ नहीं दिया। और यहां तक इतना काम करने के बाद पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए अपने अपने खून का नजराना तक का दिया, और इस गरीब आवाम की खातिर फांसी पे चढ़ गया, मगर सौदेबाजी नहीं। अब देखिए, ये एक डिफरेंस जो है वो पैदा हो गया है, और ये एक हकीकत है। ये जो मेरे भाई ने अभी सवाल की, उसमें मेरे इस भाई का कसूर नहीं है, उसमें भी कसूर उन गैर जमहूरी डिक्टेटर्स और उन लोगों का जो मुस्तकिल इस मुल्क में चोर दरवाज़ों से हुकूमत में आते रहे हैं, ये उनका कसूर है कि अब एक सोच ऐसी भी पैदा हो गई है जो कि जमहूरी लोगों को जो है वो क्रिटिसाइज करती है और डिक्टेटर्स को अच्छा समझती है। और फिर अभी इन मेरे भाई ने कहा कि 70 साल हो गए हैं इंडिया में, मिसाल दी मेरे भाई, बिल्कुल ठीक कहा, वो गरीब हैं, वो अमीर हैं, वो जो भी हैं, वो एक कौम है। और क्यों है कि वहां पर कभी भी जितने बरस हमको हो गए आजादी को, उतने ही बरस उनको, वहां कभी भी किसी डिक्टेटर ने इंटरवीन नहीं किया। वहां पे आप देखें, जब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है इस वक्त इंडिया। तो मेरे भाई, बहरहाल ये सूरत हाल मौजूद है, तो बस यही मैं अपने भाई की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। और मैं दूसरी एक बात और बता दूँ कि देखें, जमहूरी जो अदवार होते हैं, मतलब जमहूरियत में इलेक्शन होता है, लोग अपने मनपसंद लोगों को खुद वोट दे के उनको इलेक्ट करके और असेंबलियों में लेके आते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ डिक्टेटर्स हैं, वो कहीं से इलेक्ट नहीं होते, वो अपनी ताकत के बल पर आके और इस हुकूमत पर जो है वो रूल करते हैं। लेकिन आप किसी भी तौर पर किया गया उनका कोई भी काम, अच्छा या बुरा, वो काम को काउंट नहीं किया जाएगा एक जमहूरी मुआशरे में। क्यों? कि जो उनका आना है इस मुल्क में वो बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक है, तो वो कितना ही अच्छा काम करें, उसकी कोई इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं होगी। अच्छा, फिर और भी, अब आपके यहाँ टाइम कम है, किसी वक्त और नहीं, तवील आपसे बात करेंगे। बहरहाल बाकी ये बात ठीक है, ये एक सोच जो है अब इस मुल्क में डिक्टेटर्स की वजह से परवान चढ़ी है। लेकिन अगर इस मुल्क में जमहूरियत का तसलसल कायम रहे और लोगों को उनके मनपसंद लोग इलेक्ट होके आते रहें, वो अपना काम करते रहें, तो ये सोच इंशाअल्लाह ताला खुद ही ख़त्म जो है वो हो जाएगी। और लोगों देखे ना, जमहूरियत में ठीक है, अगर आज जो है वो नहीं काम कर पा रही हुकूमत, ठीक है, अगली दफ़ा लोग उसको इलेक्ट नहीं करेंगे। अगर पास्ट की हुकूमतें, नवाज शरीफ की या पीपल्स पार्टी की, काम नहीं किया उन्होंने लोगों की फलाह के लिए, बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया, तो ये दैट इज द राइट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो वो नेक्स्ट टाइम उनको वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसमें बार बार इंटरवीन करेंगे, तो पाकिस्तान के लोग कभी मानेंगे नहीं, वो यही कहेंगे कि ये जमहूरी लोगों को यहाँ काम ही नहीं करने दिया जाता। तो आप इस मामले को, जो कि जमहूरी एक रास्ता है, उसको चलने दें। एक टाइम आएगा कि ठीक है, जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा फारिग होगा, फारिग हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि अब इलेक्शन होगा नहीं होगा? देखें, अभी नहीं होगा तो फिर 5 साल बाद होगा, और फिर यही हुकूमत आने के चांसेस हैं, क्योंकि धांधली तो नजर आ रही है हर जगह, हर कोई देख रहा है सारी चीजें। तो अवाम इसी तरह चुप बैठेगी, इसी तरह जुल्म सहती रहेगी, इसी तरह महंगाई, मुश्किलात, ये सब कुछ सहती रहेगी, या क्या आपको आगे क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि
मैंने तो आपसे अभी दरख्वास्त की और मैंने मैंने कहा कि इस वक्त एक रिवायत जो है मैं समझता हूँ कि वो पीटीआई और उसकी हुकूमत को कायम करनी चाहिए, एक नई रिवायत। और उसमें क्योंकि बज़ाहिर वो यकीनी तौर पे, बज़ाहिर नहीं बल्कि मैं तो इस तरह कहूँगा, यकीनी तौर पे वो पीटीआई हुकूमत अब अपना एतमाद जो है वो खो चुकी है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी मुल्क में 9 सीटों पर इलेक्शन हुआ, 8 सीटें जो है वो पीडीएम और उनकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो जीती हैं, कराची से लेके और खैबर तक ये इलेक्शन जो है वो हुआ है, आपने भी देखा हमने भी देखा, और यहाँ तक के जो नौशहरा में उनका गढ़ था पीटीआई का, वहाँ पर भी वो हार गए। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस बात को समझें कि आप आवाम में अपनी मकबूलियत पहले ही खो के आए थे, अब मज़ीद आप खो चुके हो चुके। तो उसका बेहतर रास्ता ये है कि मुस्तकिल पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो आप पर अदम एतमाद कर रहे हैं बाय इलेक्शंस की सूरत में, तो आपको तो नज़र आ रहा है ना, तो बेहतर यही है कि आप एक अच्छी रिवायत कायम करें, असेंबलियों को डिसॉल्व करें, इलेक्शंस में चले जाएं, पता चल जाएगा कि आप लोग आपके साथ हैं या अपोजिशन जमातों के साथ हैं, ये मामला हल हो जाएगा। और आपका तारीख में लोग आपको कम से कम किसी चीज़ में याद रखें या ना रखें, तो इमरान खान को इखलाकी एतबार से ज़रूर लोग कहेंगे कि भाई जब इस कस्म का के मामलात मुल्क में हुए तो उन्होंने कुछ किया या नहीं किया। बहरहाल फॉर द सेक ऑफ द डेमोक्रेसी उन्होंने इस मुल्क में इलेक्शन की राह जो है वो हमवार कर दी। ठीक है जी, अब हमारे पास कॉलर भी मौजूद हैं, कॉल लेते हैं फिर हम बात करते हैं डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है मुझे। जी, लाहौर से बात करें, क्या कहेंगे? ये हुकूमत के बारे में कहूँगा, ये इसमें इमरान खान ने बहुत ज़्यादा नजायज कर दी, तो ये ज़्यादा ये एतमाद भी खो चुके हैं, इसको चाहिए अपना खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, आपका ये कहना है, ठीक है जी, आपको सुन रहे हमारे गेस्ट भी, बात करते हैं इस पर, आप हमारे शो देखते रहें। देखिए मैंने अभी आपसे अर्ज किया तो देखिए ये भी तो सेंटीमेंट है ना लोगों का, और बात वही है कि लोग तंग आ गए, लोग तंग आ गए महंगाई से, लोग तंग आ गए बेरोजगारी से, लोग तंग आ गए अपने बच्चों की फीसें देने से वो कासिर हो गए, लोग तंग आ गए अपने घरों का किराया वो नहीं दे सकते, लोग तंग आ गए गैस बिजली के बिल दे दे, तो वो अब जो है वो इस मुल्क के हाल पर रहम करें। अभी आपने सुना जी, तो बेहतर यही है कि उनको इस्तीफा जो है वो दे के और ये मुल्क के ऊपर वो एहसान करें कि इस मुल्क में नया इलेक्शन हो जाए और जमहूरी जो रिवायत है और जो जमहूरीत का जो तसलसल है वो इस मुल्क में बरकरार रहे, यही इसका जो है मैं समझता हूँ कि इसका हल है। हल, ठीक है। अच्छा जी, आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को जो इस तरह के कब्रिस्तान में मामलात होते हैं, क्योंकि ये हम ही जाते हैं अपने प्यारों से मिलने के लिए और हम ही ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे जहन में ये बात आई, तो वो मैं शेयर करता हूँ आपसे कि जिस तरह बैंकों के बाहर आपने देखा होगा जो करेंसी लेकर आ रहे होते हैं बैंकों में डिलीवर कर रहे होते हैं जो जो गाड़ियाँ, तो कितनी सिक्योरिटी होती है और कितना उनका फुल प्रूफ सिस्टम होता है और कितने अहतमाम के साथ वो करेंसी आगे पीछे डिलीवर की जाती है। तो मगर ये एक दुनियावी करेंसी के लिए इतना कुछ इंतज़ाम हैं हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में, मगर ये कुरान पाक और शहीद कुरान मजीद और दीगर मुकद्दस औराक के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है या कोई पॉलिसी है या कोई कानून बना हुआ है इसके ऊपर? तो मेरी यही अपील है उलमा कराम से और सरकारी अहदेदारान से और तमाम पाकिस्तान के अवाम से, मेरी ये अपील है, खुदारा
मुकद्दस औराक के हवाले से कोई तो हमारे पास कोई इंतज़ाम तो होना चाहिए। इस बात का जवाब ना उलमा इकराम के पास है, ना ही मसाजिद की इंतज़ामिया के पास कोई इसका इंतज़ाम है, और हमारे सरकारी इदारे भी इस तरफ तवज्जो उनकी बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं पर भी जाकर देख लें कि सड़कों पर जो पोल लगे हुए हैं या पार्क्स में उनकी जालियों के साथ जो है शॉपर लटके हुए आपको नज़र आएंगे, जिनके अंदर मुकद्दस औराक रखे हुए हैं। अब होता यह है कि जब वो लोग लटका कर चले जाते हैं तो उसको उनको कोई कलेक्ट करने वाला, कोई उठाने वाला नहीं होता, ना इसके लिए कोई इंतज़ाम है। तो फिर वो जब वो गिर जाते हैं बारिश के सबब या हवा के जोर पर जब वो गिर जाते हैं तो वो पैरों में आते हैं और कुत्ते बिल्लियाँ उन पर पेशाब पखाना का सिलसिला होता है। ठीक है, अच्छा जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी सरकारी इदारे हम क्या बात कर रहे हैं उस पर हम यही बात अपने शो पे करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो हम लोगों का अभी हालात चल रहे हैं, मतलब सिर्फ मैं कराची की नहीं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान में हर जगह मसाइल ही मसाइल है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ से आपको ये नज़र आए कि वहाँ कोई मसले मसाइल नहीं, हर जगह ऐसा ही है, हर जगह से यही खबर आती जाते जाते, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं मेरा पैगाम जो है वो यही है मौजूदा हुकूमत को कि इस मुल्क में जम्हूरियत की खातिर बड़े बड़े लीडरों ने, बड़े सियासी वर्कर्स ने, तमाम जमातों उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल, तो मेरा यही पैगाम है कि इस मुल्क को एक जम्हूरी निज़ाम जो है वो इस मुल्क में चलता रहना चाहिए, और उसमें हर सियासी जमात और पाकिस्तान का हर फर्द हर तरीके से उसमें अपना हिस्सा जो है वो डालता रहे, ताकि आपका मुल्क जो है वो एक मजबूत जम्हूरी मुल्क के तौर पर सामने आए, और जो जम्हूरियत मजबूत होगी आपका मुल्क जो है वो मजबूत होगा, और आपके जो मसाइल हैं उनका हल होगा। हेलो, यही कहना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो में आए, इतना कीमती वक्त दिया और साथ साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और इतनी सारी बात हुई। तो ये अगर कोई पार्टी समझती है या कोई एक इंसान समझता है या कोई इदारा समझता है या कोई उस लेवल का इंसान समझता है जो अभी बहुत पावर में है, और ये पावर तो खैर किसी के पास हमेशा नहीं रहती है, तो ये सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान हम सब का है, ये बहुत कुर्बानियों से बना है, ये किसी एक इंसान का नहीं है, ये हम सब का पाकिस्तान है। तो हम सब ने मिल के पाकिस्तान का ख्याल रखना है, कोशिश करनी है कि अपने पाकिस्तान को दुनिया भर में अपनी जितनी कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करें, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो जितना कम से कम हिस्सा आप डाल सकते हैं वो ज़रूर डालें, कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में एक अच्छे नाम से हम लोग पहचाने जाएं। तो ये कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में एक ही बात आती है कि कहीं भी जाएँगे, किसी भी जगह जाएँगे, दुनिया में कहीं भी जाएँगे तो हम पाकिस्तानी ही कहलाएँगे। तो पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद करें, ताकि फ़ख्र से जब हम कहीं जाते हैं तो हमें फ़ख्र महसूस हो। फ़ख्र तो अभी भी महसूस होता है, पर चंद जो हमारे पाकिस्तान में लोग और ये जो सिलसिले चल रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम ज़रूर शर्मिंदा होते हैं। तो हमारी दुआ है, अब हम दुआ पे आ गए, पहले हम सोचते थे कि कुछ बेहतर हो जाएगा, पर अब हम दुआ करते हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाए। और जाते जाते आपको बताती चलूँ कि मेरा खूबसूरत सा जो ड्रेस है, मेरी डिज़ाइन है प्रेड बाई फिल्ज़ा, आप इंस्टा और फेसबुक पेज पे उनके जा सकते हैं, ज़बरदस्त ड्रेस ले सकते हैं और इससे खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस हैं। और अपना बहुत ख्याल रखें, आज संडे, आज से होगी मेरी छुट्टी, सैटरडे फिर आऊँगी मैं, तो सैटरडे संडे एनिशा होती है आपके साथ 9 बजे से 11 बजे तक। तो इसी तरह मेरे शो को पसंद करते रहें, प्यार देते रहें, मोहब्बत देते रहें। मोहब्बत का मकसद ये नहीं होता कि आपने शो में कॉल करके बहुत सारी बातें करनी, मोहब्बत का मकसद ये होता है इसी तरह मेरा शो देखते रहें, अपना फीडबैक देते रहें। आप जब YouTube पे भी देखते हैं मेरे शो, कमेंट्स देते हैं या फिर मेरे Facebook पे आके या जिस तरह से भी, तो मुझे पता चलता रहता है कि आप हमारा शो बहुत पसंद करते हैं। तो अब हो गया मेरे शो का टाइम ख़त्म, तो अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।